कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के नाम से आज दुनिया भयभीत हो चुकी है। लोग डर रहे हैं, लोग बहुत सारी चीज सोच रहे हैं। तो क्या है ये कोरोना वायरस? बेसिकली एक वायरस है जिससे बिल्कुल भी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। पहले प्रिकॉशन लेने की थोड़ी जरूरत है। इसको जो डिसीज बोलते हैं उसको कोविड-19 भी बोलते हैं। कोविड मतलब कोरोना वायरस डिसीज 2019 में ढूंढा गया था, इसलिए कोविड-19 भी उसको बोलते हैं। ये स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई ये बीमारी है। मेरा नाम है डॉक्टर आर्तिशा, मैं MCH प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट। तो हम लोग ये एजुकेशनल वीडियो बनाया है कि क्या हम कर सकते हैं जिससे लोगों को एजुकेशन आए, आम जनता को एजुकेशन आए कि हम हमारे साइड से क्या कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज बनते हैं जिसमें डिसीज के बारे में जानकारी मिलती है, पर एज अ जनरल पब्लिक क्या चीज करना चाहिए उसके लिए वीडियो बनाया गया हुआ है। तो जनरली ये स्किन से फैलती बीमारी है, मतलब हाथ म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे कि आईज, नोज, माउथ या इयर्स, ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं उससे फैलती हुई ये बीमारी है। तो अगर कोई चीज से अपन टच करते हैं, कोई पेशेंट होता है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, वो टच करता है, तो उसकी स्किन के कॉन्टेक्ट से कोई दूसरा बंदा आता है तो उसको ये हो सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, 20 से 30 सेकेंड तक प्रॉपर हर एंगल में हैंड्स क्लीन करने चाहिए। नेल्स को क्लीन करो, थम्स को करो, और हाफ मिडवे तक अपने हैंड को क्लीन करना चाहिए। सो प्रॉपर क्लींजिंग ऑफ योर हैंड इज वेरी मच एसेंशियल। लिक्विड सोप से थोड़ा जो हार्ड सोप होता है वो दैट इज बेटर देन लिक्विड सोप, वो डिसइंफेक्टेड होता है। अगर आपके पास आप कंफर्टेबल हो तो आपको ये जो डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, ये स्टरिलियम जैसा डिसइंफेक्टेंट आता है, वो यूज करना चाहिए। इसका जो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो करीबन 68-72% होता है, और इसको करीबन 3-6 ml जितना एक स्प्राउट में आता है वो उतना क्वांटिटी में लेना चाहिए, और उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। तो जिससे होके अगर आप इन्फेक्टेड हो, आप कैरियर हो, अगर हाथ से आपको कुछ हो रहा है तो वो आप दूसरे को फैलते हुए रोक सकते हो। अभी ऐसा है कि इसका मार्केट प्राइस बहुत हाई जा रहा है, अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं है तो ये अल्कोहल बेस्ड स्पिरिट आता है, ये कई सारे मेडिकल स्टोर्स में अगर लाइसेंस स्टोर होते हैं उसमें अवेलेबल है। तो ये 72% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है, इसको आप यूज कर सकते हो। ये बहुत कॉस्टली नहीं आता है, ये आप खाते हो, कहीं पे मिलते हो, किसी से हाथ मिलाते हो, उसके पहले इसे आप क्लीन कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो कई बार क्या है कि ये मार्केट में अवेलेबल इजीली पैक होते हैं, अल्कोहल स्वैग बोलते हैं, 3-5 रुपए का ये चीज आता है, इससे भी आप हैंड रब कर सकते हो। कई बार ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो आप आफ्टर शेव करते हो उससे भी आप ये क्लीन कर सकते हो। तो ये हाथ से फैलने वाली बीमारी है। कई बार नेल्स में भी ये कोरोना वायरस जो होते हैं वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो रहते हैं, तो अगर आप लंबे नेल्स रख रहे हो तो उसको भी आप शॉर्ट कीजिए। अगर लंबे नेल्स रख रहे हैं तो आप उसको ब्रश से भी आप उसको क्लीन कर सकते हो, तो क्लीन करके आप उसको क्लींजिंग प्रॉपर तरीके से करोगे तो इन्फेक्शन लगने का चांसेस पेशेंट को कम रहेगा। कई बार जो ये है वो माउथ एंड नोज से फैलता है, तो आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी होता है। अभी 2-ply mask, 3-ply, मतलब 2-ply का क्या होता है, तो ये 2 layer का होता है, तो ये 2-ply बोलते हैं, 3-ply आता है। ऐसे करके ज्यादा लेयर्स वाले होते हैं तो ज्यादा कम चांसेस होता है कि उसको इन्फेक्शन लगे। अगर वो भी नहीं है तो आप कपड़े के 3 layer बना के आप नाक या मुंह पे पहन सकते हो, जिससे पेशेंट को किसी को इन्फेक्शन ना लगे। आप ये पहने तो आपको चांसेस है कि साइड में से यहाँ से थोड़ा खुला रहता है तो उसको आपको क्लोज करना है, तो माइक्रोपोर आता है, माइक्रोपोर को साइड में लगा दीजिए, जिससे करके टाइट शॉर्ट जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये रिसाइकल नहीं होता है, ये एक बार यूज करके वो एरिया में आप कहीं भी क्राउडेड प्लेस में गए हो तो उसको फेंकना चाहिए। जनरली कोरोना जो है वो एकदम हाई एज में होता है या लो एज में होता है, वो आपकी इम्यून सिस्टम को तोड़ता है और पेशेंट को हार्ट के, लंग्स के, वो सब प्रॉब्लम होते हैं, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना बहुत जरूरी होता है। आप कहीं कोई ओपन प्लेसेस में जा रहे हो तो आप ग्लोव्स भी यूज कर सकते हो, या कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो क्राउडेड प्लेस में जिसे आप कहीं पे टच ना करो, तो ये भी बहुत महंगे नहीं आते, 3-5 रुपए का एक चीज आता है, तो आप कहीं पे टच करोगे तो अपने को इन्फेक्शन नहीं लगता या फिर इन्फेक्शन नहीं फैलता है, तो ये भी आप कर सकते हो। बाहर ओपन में जा रहे हो तो आप गॉगल्स पहन सकते हो, गॉगल्स पहनोगे तो भी आप किसी का इन्फेक्शन है तो आप में नहीं जाएगा, पर थोड़ा साइड में से जाने का चांसेस रह भी सकता है।
बच्चे हैं, बच्चे को कॉमन प्लेसेस में मत लेके जाइए, क्राउडेड प्लेसेस में मत लेके जाइए। जो एजेड लोग हैं उनको मंदिरों में जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग होता है, पार्क्स होते हैं जहाँ पे बच्चे में ज्यादा लोग आते हैं, अभी मॉल्स थिएटर्स स्कूल्स तो बंद है, वो अच्छी बात गवर्नमेंट ने मेजर्स ली हुई है। तो आप डरिए मत, आप ट्राई कीजिए कि आप भी कैरियर ना बनो और आपसे किसी को लगे नहीं, जिससे इन्फेक्शन ना लगे, जिससे उसको आगे जाके तकलीफ ना हो। ये चीज ऐसी है कि आपको एजुकेट होना जरूरी है और आपका एजुकेशन आप आपके नेक्स्ट लेवल के जो आपके एम्प्लॉयज है उनको दीजिए, जिससे करके उनको भी आइडिया आए, उनके अगर उनको भी इन्फेक्शन लगेगा तो चांसेस है कि आपको लग सकता है, आपके बच्चों को लग सकता है। तो बेटर है कि हम सब केयर करें और हम सब हाथ से हाथ मिला के हम ये डिसीज से फाइट करें, जिससे करके हम इस तकलीफ में से बाहर आ जाए एंड हम स्ट्रॉन्गली बाहर आए। कई सारी चीज होती है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो हम खाने में खा सकते हैं, जिसमें अच्छे खाने पे ध्यान रखिए, वाटर इंटेक ज्यादा रखिए, वाटर इंटेक कम होता है तो भी डिहाइड्रेशन से आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। आप आयुर्वेदिक उपचार थोड़े होते हैं जो अपने पुरख बोल के गए हैं, जैसे होता है तुलसी होता है, टर्मरिक होता है, ब्लैक पेपर होता है या फिर आदू होता है, उसका मिक्सचर करके भी लोगे तो भी थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टअप होता है, इम्यूनिटी बूस्टअप होगा तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में आप जैसे देखोगे कि किसको है आपके पास में के लोग हो सकते हैं, उसमें से किसको आपको आइडेंटिफाई करना है, किसको हो सकता है जिससे हम दूर रहे। तो पेशेंट को आप ऊपर से सोचो तो थोड़ा हेडेक का कंप्लेन हो सकता है, थोड़ा स्नीजिंग का हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है पेशेंट को, बॉडी में वीकनेस हो सकती है, ये सब कंप्लेन जनरली पेशेंट से होती है। अगर आपको क्राउडेड प्लेस में या कहीं पे भी आपको स्नीजिंग हुआ तो स्नीज करने के टाइम ऐसे मत कीजिए, ऐसे करके कीजिए जिससे करके वो इन्फेक्शन और किसी को ना लगे, और अगर स्नीज हाथ से किया तो फिर से आप सैनिटाइजर यूज कर लो, जिससे करके सैनिटाइजर यूज किया गया हुआ है तो वो आगे ना लगे। सैनिटाइजर भी हमको जो यूज करना है वो इस तरीके से हमको करना है, दिस इज द आइडियल वे टू यूज द सैनिटाइजर, जिससे करके हम ये बैक्टीरिया, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, उसके साथ हम फाइट कर सके। आपको ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है, हमारा उद्देश्य वही था कि आप जाने कि क्या तकलीफ है और क्या हम इसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं जिससे करके हम फाइट कर सकें। आपको ऐसा कुछ भी तकलीफ है तो दोस्तों हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम है, वो थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास इसका नॉलेज है उसको शेयर करने का आपको ट्राई करेंगे। पर बिल्कुल भी आप पैनिक मत होइए, डेफिनेटली ये टाइम निकल जाएगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, जिससे उनको भी थोड़ा एजुकेशन। थैंक यू सो मच।